रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुंदरी अपने पति श्याम के साथ ढोलकपुर नाम के गांव में रहती थी। उसका पति सारा सारा दिन खेतों में मेहनत मजदूरी करता था। उसकी सास रमा एक बहुत ही खड़ूस और जालिम औरत थी। वो अपनी बहू से दिन रात कोल्हू के बैल के जैसे काम करवाती थी, पर उसकी संस्कारी बहू बिना उसकी किसी बात का जवाब दिए चुपचाप घर का सारा काम करती। ऐसे ही एक दिन सुंदरी चूल्हे पर खाना पका रही थी, तभी वो अपनी सास को एक रोटी देती है। माँ जी, ये लीजिए खाना। ये क्या बनाया है तूने? ये रोटियां है? आए हाय, आज तक मैंने ऐसा खाना नहीं खाया। कोई नहीं माँ जी, आप रहने दीजिए, मैं खा लूंगी ये खाना। सब समझती हूँ, तू तो मेरे मुंह से निवाला छीन कर खुद ही खा ले। भर अपना पेट, मुझे नहीं खाना खाना। हाँ, आप गलत समझ रही हैं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। अरे सास से जुबान लड़ाएगी, आज तो तेरी खैर नहीं। रमा अपनी बहू की बेरहमी से पिटाई करती है। ऐसा रोज रोज होने लगता है। सुंदरी हर सोमवार को व्रत रखा करती थी। एक दिन उसकी सास व्रत वाले दिन ही उसको बहुत मारती है। बेचारी सुंदरी वहां से अपने कमरे में चली जाती है। रोते रोते कब उसकी आंख लग जाती है पता ही नहीं चलता। तभी उसे एक सपना आता है जिसमें भगवान प्रकट हो उससे कहते हैं, उठो पुत्री। भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम। सुंदरी, मैं तुम्हारा सेवा भाव देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, साथ ही तुम्हारी सास का दुर्व्यवहार देख के दुखी भी हूँ, जो हमेशा ही तुम्हारा और तुम्हारे खाने का तिरस्कार करती है। हे प्रभु, आपसे क्या ही छुपा है, मुझे बताइए मैं क्या करूँ। तू चिंता मत कर पुत्री, अब से तेरी सास जब भी तेरा बनाया खाना खाकर उसका तिरस्कार करेगी, उससे उसकी सजा अवश्य मिलेगी। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं और सुंदरी की आंख खुल जाती है। उसे लगता है कि ये महज एक सपना था। अगले दिन वो उठकर घर का सारा काम करती है और थाली में खाना परोसकर अपनी सास रमा के पास जाती है। माँ जी, ये लीजिए खाना। अरे कल की तरह जली रोटी तो नहीं बना के लाई? अगर आज ऐसा हुआ ना तो तू सोच ले। नहीं नहीं माँ जी, आप एक बार खाकर तो देखिए। आज थोड़ा ठीक लग रहा है, खा लेती हूँ थोड़ा। रमा जैसे ही खाना खत्म करती है तभी उसके पेट में जोर का दर्द होता है। वो बिना एक मिनट की देरी किए तुरंत ही शौचालय में जाती है। ऐसा एक बार नहीं बल्कि काफी बार होता है। सुंदरी अपनी सास को ऐसी हालत में देखकर उसके लिए अजवाइन और नमक देती है, जिससे उसका पेट ठीक हो जाता है। रमा अपनी बहू से कहती है, हाय अरे मैया, जमाल घोटा मिला कर दिया था खाने में। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आज तो मेरी जान ही चली जाती, आने दे मेरे बेटे को, वही आकर तेरी अकल ठिकाने लगाएगा। हूँ नहीं माँ जी, सच में ऐसा कुछ नहीं है। तेरे सच सब जानती हूँ, तू देखती जा अब क्या करती हूँ तेरे साथ। काम से थका हारा उसका पति जब घर आता है तो रमा जल्दी से उसके कान भर देती है और उसे सुंदरी के खिलाफ भड़का देती है। वो गुस्से से तिलमिलाता हुआ उसके पास जाता है। सुंदरी, ये तुमने जान पूछ के किया ना? अरे मैं दिन रात एक करके मेहनत कर रहा हूँ और तुम मेरा घर बर्बाद कर रही हो। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारिए प्लीज। सुंदरी के पूरे बदन पर घाव हो जाते हैं, वो दर्द में बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। तभी भगवान उसके सपने में फिर से प्रकट होते हैं। पुत्री उठो, मानव जीवन में सुख और दुख दोनों का बराबर का हक है, और यह जो सब भी हुआ है यह भी तुम्हारी जिंदगी का ही हिस्सा था।
पर अब इस बुरे समय का निवारण करने का समय आ गया है। तुम्हारा कल्याण हो पुत्री। सुंदरी को जैसे ही होश आता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अगले दिन वो फिर से खाना बनाती है और अपने पति को देती है। खाना लेकर उसका पति ऑफिस चला जाता है। फिर वो अपनी सास को खाना परोसती है। खाना खाने के बाद उसकी सास अपनी बहू को खरी खोटी सुनाना शुरू कर देती है। तभी अचानक उसकी हालत खराब होना शुरू हो जाती है और वो बेहोश होकर घर के आंगन में गिर जाती है। सुंदरी जल्दी से उनको लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। यहाँ डॉक्टर रमा का इलाज करते हैं और तभी वहाँ श्याम आ जाता है। अरे अरे डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी माँ को? वो ठीक तो है ना? इन्हें ज्यादा खाने की वजह से ऐसा हुआ है, आप इन्हें कम खाना खिलाएं। डॉक्टर साहब, माँ ठीक तो हो जाएगी ना? जी बिल्कुल, चिंता की कोई बात नहीं है। सुंदरी को ये सब होता देखकर समझ आने लगता है कि जिसे वो अब तक सपना समझ रही थी असल में वो सब कुछ सच था। भगवान सच में उसके सपने में आए थे और उसे वरदान देकर गए थे। शाम को सभी लोग घर आ जाते हैं। रात को सुंदरी भगवान को याद करते करते सो जाती है और नींद में फिर से उसे भगवान दर्शन देते हैं। क्या बात है पुत्री, इतना दुखी क्यों हो? हे भगवान, मेरी सास की तबीयत ठीक कर दीजिए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो गांव वाले और मेरे पति ताने मार मार कर मुझे जीते जी मार देंगे। और वो अच्छी है या बुरी, जैसी भी है, मेरी माँ है। उनके बुरे कर्मों के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप उन्हें तकलीफ मत दीजिए। आयुष्मान भव पुत्री, ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। पर स्मरण रहे, अगर अब उन्होंने तुम्हारे साथ कोई भी दुर्व्यवहार किया तो उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। हाँ भगवान, बस आप सब ठीक कर दीजिए। सुंदरी की कही हुई सारी बातों को भगवान रमा को भी सपने में दिखा रहे होते हैं। जब रमा सुबह सोकर उठती है तो उसे वो सपना याद आने लगता है और उसे अपनी गलती पर पछतावा होने लगता है। वो तुरंत ही अपनी बहू के पास जाती है। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने आज तक तेरे साथ बहुत गलत किया और तुझे पर इतना जुलम किया, भगवान मुझे माफ कर दो। अरे सासू माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? और आप आराम कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बहू, तू सच में देवी है देवी, मेरी ही मति भ्रष्ट थी जो मैं तुझे समझ नहीं पाई और मुझे उसकी सजा मिली है। माँ जी, आपको कभी कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा भगवान से आपकी सलामती और आपकी अच्छी सेहत की दुआ मांगती हूँ। तो सच में बहुत गुनी है, हमेशा ऐसे ही रहना। तो चलिए माँ जी, मिलकर भगवान की पूजा करते हैं ताकि हमारा परिवार हमेशा खुश रहे और एक साथ रहे। इस तरह रमा को अपनी गलतियों का सबक भी मिलता है, साथ ही अपनी बहू पर नाज भी होता है कि उसने कभी उनका तिरस्कार नहीं किया। साथ ही शाम भी सुंदरी से माफी मांगता है और सब मिलकर घर में शांति हवन करवाते हैं और एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जादुई रोटी वाली बहू? और देखिए आपने भगवान की अद्भुत लीला, या आपके आसपास भी या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।